दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल वनकम जय श्री कृष्ण जय स्वामी नारायण जय सचिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं नेगेटिविटी की, नकारात्मक सोच की। दोस्तों आपने गांधी बापू की थ्री मंकी वाली बात तो सुनी होगी, बुरा ना देखो बुरा ना सुनो बुरा ना बोलो। लेकिन हम तो बात बात पे नेगेटिव सोचते हैं, तो क्या ये सोच हमारे जीवन व्यवहार पे असर नहीं करती? तो इस नेगेटिव से बाहर कैसे निकले, चलिए जानते हैं हमारे आत्मज्ञानी पूज्य निरुमा से। निरुमा मेरा प्रश्न था कि सुबह से लेकर शाम तक अगर हम हमारी रोज की दिनचर्या को ऑब्जर्व करते हैं तो दिखता है कि मैत्री और प्रेम भाव कम रहते हैं और अभाव है, तिरस्कार है, द्वेष भाव है, ईर्ष्या है। सुबह से रहते हैं जैसे ही स्नान करने के लिए तैयार हुए, कपड़े नहीं मिले, पत्नी के प्रति अभाव हो गया, तुम्हारा ऑफिस जाने की हमारी टाइम हुई तभी वो गैस के ऊपर रखेंगे कुछ नाश्ते का, तो वो टाइम मिसमैच हो गया। ऑफिस में गए, कोई कलीग है, किसी का काम अपने से बेहतर हुआ, कोई प्रशंसा करता है तो अपने अंदर जो है दूषित भाव, सूक्ष्म में ईर्ष्या टाइप के भाव होते हैं। कोई पार्टनर है तो हमारे अनुकूल विचार नहीं हो तो उसके प्रति द्वेष भाव जैसे विचार रहते हैं। तो सुबह से शाम तक अगर हम एनालिसिस करें तो ऐसा लगता है कि इसी प्रकार के भाव ज़्यादा रहते हैं और मैत्री के प्रेम के भाव बहुत कम रहते हैं। तो इसके लिए निरुमा क्या करना चाहिए? इसीलिए तो हम इस कलयुग में पैदा हुए हैं। अगर प्रेम अनुकंपा मैत्री करुणा इन सारे भाव वाले रहते तो राम और महावीर के समय में उनके पास ही न रहते जी। आप भी निमित्त हैं तो वो भाव हमारे अंदर भी आए, उसके तरीके बताइए, उपाय बताइए। या अभी हमारा हमारा यही लक्ष्य होना चाहिए कि अभी जब आपको ये पता चला है, नहीं तो लोगों को तो पता भी नहीं चलता है कि ऐसे भाव कलुषित भाव हमारे मन में सारे दिन रहते हैं, सारा दिन यही चलते रहता है, यह ख्याल में भी नहीं आता है जी। लेकिन आपको यदि इतना ख्याल में आया है तो उतना अच्छा है, तो अभी आप अभी इससे आगे बढ़िए और इसमें से बाहर निकलने की कोशिश करिए। किस तरह से प्रेम और मैत्री, इस तरह ऐसे आसान नहीं है कि प्रेम और मैत्री भाव आ जाए, अनुकंपा आए, कुछ दया आ गया तो बहुत आगे, दया जी। वीरस्य भूषणम कहते हैं, दया धर्म का मूल है, क्षमा वीरस्य भूषणम, इन सारे सूत्रों को अपनाते जाओ। जितना मन नोबल होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, औरों के लिए हम उनकी अच्छाइयों को हम अप्रिशिएट करते जाएंगे और बुराइयों को हम निग्लेक्ट करेंगे, उसके प्रति हम ध्यान नहीं देना चाहिए जी। तो ऑटोमेटिक देखो आपको अपने अंदर से ही चेंज होते जाएगा जी। समझ में आया? और कहीं ऐसे गलत भाव अगर आ भी गए आपके मन में तो उसके लिए आपने पश्चाताप करना चाहिए, करे ये गलत क्यों आ गए जी। शक्ति मांगो जी। प्रभु के पास है कि इसमें से मुझे बाहर निकलने की शक्ति दो जी। तो जरूर आप इसमें से बाहर निकल पाओगे। आपने जब निश्चय ही कर लिया है कि इन सारी बुराइयों में से निकलना है तो आप एक दिन जरूर निकल पाओगे। क्या किसी के दुख से अगर आप दुखी होते हैं तो ही आपके मैत्री भाव में आगे प्रगति होती है। आपका हृदय इतना कोमल सॉफ्ट होता है कि कोई दुखी होता है तो आप उसके दुख से दुखी हो जाते हो, फिर आप किस तरह से मैं उसको हेल्प करूँ ताकि उसका दुख हल हो जाए। ऐसा सोचने से, ऐसा कुछ करने से जरूर आप
अच्छाइयों की ओर आगे बढ़ेंगे, बुराइयों में से निकल जाओगे। निरुमा, सिर्फ पूजा पाठ या इस टाइप का जो क्रिया कांड होते हैं, क्या उससे इस प्रकार की चित्त की शुद्धि या मैत्री भाव आ सकते हैं, या जैसे आपने बताया कि पाठ पूजा से एकाग्रता होती है, कंसंट्रेशन होता है, जप करो, पूजा करो, पाठ करो, लेकिन जितनी देर करोगे उतनी देर एकाग्रता रहेगी, फिर जैसे बाहर निकलोगे वैसा का वैसा। और आजकल तो जिस समय हम करते हैं ना, उस समय भी एकाग्रता नहीं रहती है जी। उस समय भी कहीं चित भटकता है जी। तो कर करके आप कितना करोगे? हाँ, जितना आप समझदारी से काम लोगे उतना आपको फायदा होगा, बाकी दूसरी चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। समझ समझ करो कहाँ गलतियां होती हैं और किस तरह से इन गलतियों में से बाहर निकल जाए। जब हम खड्डे में गिर जाते हैं तो कैसे क्या करते हैं? तुरंत ही उठने से बाहर निकल के सीधे रास्ते से चलना शुरू कर देते हैं ना जी। खड्डे में थोड़ी बैठ रहते हैं जी। जैसे गिरे के तुरंत ही बाहर निकल जाते हैं कैसे भी करके, और फिर सच्चे रास्ते से चलने लगते हैं। इसी तरह से जहाँ जहाँ भी हमारी गलती होती है वही खड्डा ही है, उसमें से गलती में से बाहर निकल जाओ, फिर दोबारा ऐसी गलती ना करें ऐसा निश्चय करो और आगे बढ़ो जी। ऐसे करते करते ही आप एग्जैक्टनेस में आ जाओगे जी। तब तक यह सब कुछ करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगी। क्या सेवा और परोपकार इस प्रकार की एक्टिविटीज से मैत्री भाव? हाँ, सेवा और परोपकार से थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन निस्वार्थ सेवा चाहिए जी। सेवा में मान नहीं चाहिए, पैसे की इच्छा नहीं है, कुछ अगले में कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसी सेवा। भाव आ जाए तो क्या किया जाए? फिर वह अच्छी सेवा नहीं है, स्वार्थ की सेवा है। तो ऐसे भाव आ जाए तो और पता चलना चाहिए, पता चले तो फिर वो निकल जाना, उसमें से बंद कर देना चाहिए। कहा तो भाव बंद में से वो बुरे भाव में से बाहर निकल जाओ, और अगर वो बुरे भाव आपके बंद ना हो तो फिर वो कार्य में से निकल जाओ जी। नहीं तो फायदा से ज्यादा नुकसान बहुत होगा जी। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बातें कर रहे हैं नेगेटिव सोच की। दोस्तों, हमारी जिंदगी में नेगेटिविटी जैसे गुल सी गई है। क्या हम हर एक नेगेटिव सोच को पॉजिटिव कर सकते हैं? क्या ऑल द टाइम पॉजिटिव रहना संभव है? कैसे हर सिचुएशन में पॉजिटिव ही देखें? दोस्तों, ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्या एक ही कॉइन के दो साइड है, या पॉजिटिव के ऊपर भी कुछ है? गहरी सोच में पड़ गए ना। Let's deep dive and find the pearls from our Gnani. एक और निरुमा, ऑफिस सिचुएशन के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऑफिस में जब कलीग होते हैं और जिसको हम हमारी विचारधारा या हमारा मत बताते हैं, वो उस मत को सहमत नहीं होते हैं। जैसे कि मैंने किसी को हमारे ऑफिस में बताया कि अभी समय और परिस्थिति बदल गई है और अपने को इस प्रकार के डिसीजन निर्णय लेने चाहिए, पर मेरा जो कलीग है वो उस बात से एग्री नहीं हुआ, साइलेंट रहा, पर उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। तो उससे मेरे को कुछ समय के लिए बड़ी इरिटेशन हुई कि ये जो है मेरा जो कलीग है वो वस्तु स्थिति को समझता क्यों नहीं है। तो ये जो इरिटेशन होता है हमको जी, ये हमारी कमजोरी है जी। जरूरी नहीं है कि हमारी सारी बात वो स्वीकारे और वैसा ही करे जी। उसके व्यू पॉइंट में हमारी बात न भी आती हो, हर कोई अपने अपने व्यू पॉइंट में खड़ा है जी। सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है जी। जीरो से लेकर 360 डिग्रीज होती है जी। हर कोई अपने अपने डिग्री पे बैठा हुआ है जी। आप 200 पे बैठे तो वो 250 पे बैठा है जी। आप अपने व्यू पॉइंट से जो भी कुछ देखते हैं तो आपको वह करेक्ट लगता है, मैं ही सच्चा हूँ ऐसा दिखता है, दूसरा तो दिखता ही नहीं है, क्योंकि आप अपने ही व्यू पॉइंट से सीमित हो।
और आपका कलीग है वो 200-250 पर बैठा हुआ है, तो उसको अपने व्यू पॉइंट का सच्चा दिखता है, इसके अलावा और उसे उसको उसको कुछ सच्चा नहीं दिखता है जी। तो उस परिस्थिति में क्या अपनी व्यू पॉइंट कह के फिर उसको छोड़ देना चाहिए या क्या करना चाहिए? या अगर आप उसके व्यू पॉइंट पे जाकर देखो तो आपको लगेगा कि ना ही इज राइट। आप उसके व्यू पॉइंट पर जाकर देखना आपको आना चाहिए। अपना व्यू पॉइंट जब छूटेगा, आप अपने व्यू पॉइंट को छोड़ सकते हो, तो ही आप उसके व्यू पॉइंट को समझ सकोगे। अगर आप अपने ही इस व्यू पॉइंट पर अड़कर बैठ जाओगे तो आप किसी और के व्यू पॉइंट को नहीं समझ पाओगे। समझ में आया ना? तो जरा विशाल दृष्टि करके देखना है कि भाई ये जो कुछ कह रहा है तो उसको 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 क्या हिसाब से कह रहा है। चलो हम उसके व्यू पॉइंट से जाके सोचे देखे तो शायद आपको लगेगा कि नहीं ही इज राइट, उसके दृष्टि से करेक्ट है। क्योंकि वो भी कुछ आर्ग्यूमेंट देता है ना, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ। जी हाँ। लेकिन हमारा हम जब हमारे व्यू पॉइंट पे अड़के बैठे हैं ना, इसलिए उसकी कोई बात हमें सच्ची नहीं लगती, उसकी हर आर्ग्यूमेंट हमको गलत लगती है। जी। हमारा व्यू पॉइंट अगर छोड़े और हम फुल तैयारी से उसके व्यू पॉइंट को समझने के लिए तैयार हो जाए तो ही ये सब हो सकता है जी। फिर आपके मन में कलुषित भाव नहीं होगा, उसके प्रति भी कोई नहीं होगा। उसके मर्जी के मुताबिक होना या आपके मर्जी के मुताबिक होना, ये किसी के हाथ में तो नहीं है। कई बात आपके हिसाब से होती है, कई बात उसके हिसाब से होती है जी। ये सब इत्तेफाक है जी। सर्कमस्टेंसेस है, संजोग है। कौन से समय कौन से संजोग से कार्य बनता है क्या पता चलता है? अच्छा, छोड़ दो संजोग पे। उसका संजोग था इसलिए उसकी बात के हिसाब से हो गया काम। आज मेरा संजोग नहीं था जी। किसी न किसी के संजोग तो चाहिए ना कोई भी कार्य करने के लिए। जी। सब संजोग से ही चलता है। मतलब मेरा मत का मैं पकड़ नहीं रखूं उसको। हाँ, आप उसको आग्रह के बगैर, मत की पकड़ के बगैर सहज होके उसको समझाओ कि भाई ऐसा है, ऐसा मुझे लगता है, फिर देखो ऐसा ऐसा करने से ऐसा ऐसा नुकसान हो सकता है, आप सोचो जी। फिर छोड़ देने का। बहुत बड़ा नुकसान होता है, बहुत बहुत, तो कुछ पकड़ के रखो। छोटी छोटी बातों में तो बिल्कुल सर मत डालना। 100 छोटी छोटी बातों को आप लेट गो करोगे तो एक बड़ी बात आएगी ना, तो आपकी बात मान लेगा। लेकिन आप 100 छोटी छोटी बात में टांग अड़ाते जाओगे तो एक बहुत बड़ी बात आएगी तो आपका कोई सुनेगा नहीं जी। ऐसा वाकई होते रहता है जी। और ये अभाव जैसे आते हैं किसी के प्रति तिरस्कार या अभाव जैसे विचार है, उस समय क्या करना चाहिए, घर पे हो या ऑफिस में हो? तो वह हमारी कमजोरी है करके उसमें से कहाँ हम गलत है, कौन सी दृष्टि हमारी गलत थी जिसके हिसाब से हमको ये अभाव आया, उसका क्या गलत देखा हमने जी। वो हमारी गलती है, किसी की गलतियां देखना नहीं। गलतियां देखोगे तो तुरंत ही उसके प्रति अभाव आ जाएगा, द्वेष आ जाएगा। उसका पॉजिटिव देखो, नेगेटिव मत देखो। देखना है तो पॉजिटिव देखो, बाकी जो भी कुछ नेगेटिव है उसके हिसाब का है, मुझे उसमें गिरना नहीं है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुल जाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों, ज्ञान की अनोखी चाबी देखें, हमारे आत्मज्ञानियों ने हमें व्यवहार कितना सुंदर बनाया जा सकता है वो सिखाया। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाइए 1-877-505-3232 extension 23। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव। जय सच्चिदानंद।